ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मिरर फॉर्मूला फॉर पैराक्सियल रेज। हालांकि आपने 9th-10th स्टैंडर्ड में इस फॉर्मूले को सुना होगा, इस फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, मान लो कि हमारा कोई मिरर दे रखा है। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा। क्या है ये? प्रिंसिपल एक्सिस है। मान लो कहीं बेटा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ का कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा है बेटा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑब्जेक्ट से रे गई, मान लो ये पैराक्सियल रे। ये क्या है? पैराक्सियल, वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस माना है मैंने, ठीक है ना। ये मान लो सेंटर है, ये क्या है? सेंटर। तो ये नॉर्मल होगा बच्चे, ये क्या होगा? नॉर्मल होगा, दिस इज नॉर्मल एंड दिस एंगल इज टेंडिंग टू जीरो। आई एम सेइंग दैट, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है ना। हालांकि ऐसा बिल्कुल पास के लिए होता है, लेकिन अब पास के लिए डायग्राम क्लियर नहीं बन पाएगा, इसीलिए आपको ऐसा बना के दिखाया जा रहा है बेटा, ठीक है। और एक रे मान लो ऐसे सीधी निकाल दो, जो सीधी गई बेटा, जो सीधी रे गई वो सीधी रिफ्लेक्ट करेगी, और जो ये गई बेटा ये सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट करेगी जिस एंगल पे गई, ठीक है ना। तो इन दोनों पॉइंट्स, इन दोनों रेज का जो मीटिंग पॉइंट होगा वो क्या होगी बेटा? इमेज होगी। ये क्या होगा बच्चे? ऑब्जेक्ट होगा। और ये क्या होगा बच्चे? सेंटर होगा। ये क्या होगा बच्चे? सेंटर होगा। हालांकि हम पैराक्सियल रेज पढ़ रहे हैं, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, दिस एंगल आई इज टेंडिंग टू जीरो डिग्री। आई एम डिस्कसिंग फॉर एंगल आई टेंडिंग टू वट? जीरो डिग्री। ओके, नो प्रॉब्लम बेटा। अगर आप इसको एंगल आई बोलना चाहते हैं तो बोल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट अस से दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज से अल्फा, दिस एंगल इज से वट? बीटा। दिस एंगल इज से वट? बीटा। मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर ये पैराक्सियल रेज हैं, अगर ये कैसी रेज हैं बेटा? पैराक्सियल रेज हैं बेटा। तो मैं अगर इस पॉइंट को ड्रॉ करूँ, इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करूँ, ये पोल है, ये क्या है बेटा? पोल। और इस पॉइंट को मान लो आप कुछ भी क्यू, तो पी एंड क्यू कैन बी ट्रीटेड एज सेम पॉइंट, कैन बी ट्रीटेड एज सेम पॉइंट। क्यों? पैराक्सियल रेज के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो डिग्री को टेंड करेगा। ये बेसिकली डायग्राम बहुत पास से आएगा, तो अगर मैं पेंडिकुलर खिलाऊंगा तो लगभग लगभग ये पी और क्यू की दूरी क्या होगी? आपस में जीरो होगी। तो पी क्यू को हम एक ही पॉइंट ट्रीट करके चलेंगे बेटा, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो ऑब्जेक्ट से पोल तक की दूरी बेटा, ऑब्जेक्ट से पोल तक की दूरी को बोलते हैं हम यू। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट से पोल तक की दूरी को हम बोलते हैं यू। और इमेज से पोल तक की दूरी को बोला जाता है वी। इमेज से पोल तक की दूरी को बोला जाता है वी, जिसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। इसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। इसको बोलते हैं बेटा हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। और ये सेंटर है। ये क्या है? सेंटर है। सेंटर से पोल तक की दूरी तो रेडियस होती है, हम सबको बहुत अच्छे से पता है। ओके, नो प्रॉब्लम। अब बेटा आप ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को। अगर मैं ध्यान से देखूं तो थीटा एंगल प्लस आई एंगल सम ऑफ दीज टू इंटीरियर एंगल इन दिस ट्राइंगल, इन दिस ट्राइंगल। ये ट्राइंगल लो बेटा, ये डार्क लाइन, ये डार्क लाइन, ये डॉटेड लाइन। तो इस ट्राइंगल में सम ऑफ दीज टू इंटीरियर एंगल, दैट मीन्स थीटा प्लस आई इक्वल टू वट? एक्सटीरियर एंगल। थीटा प्लस आई इक्वल टू वट? एक्सटीरियर एंगल, दैट इज अल्फा, दैट इज अल्फा। हम यहाँ पर थीटा अल्फा बीटा एंड आई आर वेरी स्मॉल, थीटा अल्फा बीटा आई आर वेरी स्मॉल एंगल्स, आर वेरी स्मॉल एंगल्स। और स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन हम जानते हैं, टैन थीटा और थीटा लगभग लगभग सेम होते हैं, वही साइन थीटा होता है, ठीक है ना। फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल ऐसा हम कर सकते हैं कि टैन थीटा अगर हम सीरीज खोलेंगे तो थीटा आ जाएगा, बाकी हायर डिग्रीज निगलेक्ट हो जाएंगे। सिमिलरली साइन थीटा की अगर सीरीज खोलेंगे तो फर्स्ट टर्म थीटा आ जाएगी, बाकी हायर डिग्रीज क्या हो जाएंगे? निगलेक्ट हो जाएंगे बेटा, ठीक है ना। क्योंकि छोटा नंबर का स्केयर करेंगे तो और छोटा होता चला जाता है। ओके, एनीवेज, तो इसको लिख सकते हैं हम टैन ऑफ थीटा प्लस टैन ऑफ आई इक्वल टू टैन ऑफ अल्फा। नो प्रॉब्लम, ठीक है। एक क्वेश्चन ये देखिए बेटा, अल्फा प्लस आई इन दिस ट्रायंगल, दिस डॉटेड लाइन, दिस डार्क लाइन एंड दिस डार्क लाइन, अल्फा प्लस आई इक्वल टू व्हाट? बीटा। अल्फा प्लस आई इक्वल टू वट? बेटा बीटा। फॉर स्मॉल एंगल अगेन, टैन ऑफ अल्फा प्लस टैन ऑफ आई इक्वल टू टैन ऑफ बीटा इक्वल टू वट? टैन ऑफ बीटा। नो प्रॉब्लम। नाउ टैन ऑफ अल्फा इज वट? टैन ऑफ अल्फा इज वट? लेट अस से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज वट? ए। दैट मीन्स ए क्यू और ए पी सेम थिंग, ए क्यू और ए पी इज वट? सेम थिंग। ए पी ओवर, ए पी ओवर ओ पी, ए पी ओवर ओ पी इज tan of alpha, tan of alpha is what? AP over, sorry, AP over CP,
tan of alpha is what? AP over CP, no doubt. Plus tan of I is what? Tan of I is what? Tan of I को tan of I रहने देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है. Tan of beta is what? AP over PI. AP over PI, no problem. Similarly, tan of theta is what? Tan of theta is what? AP over PO. AP over PO, no problem. Tan of I को tan of I रहने देते हैं बेटा. Tan of alpha is what? Tan of alpha is what? AP over PC. AP over CP, AP over PC या CP एक ही बात है. तो हमने tan of I यहाँ से निकाल के यहाँ पुट करा. तो हमने पुट करा तो ध्यान से देखिए आ गया AP over PI equal to AP over PI minus AP over CP equal to AP over CP minus AP over PO, no problem. Now AP over PI plus AP over PO equal to 2 times AP over CP. AP can be elected 1 upon PI plus 1 upon PO equal to 2 times CP. That means 1 upon image distance plus 1 upon object distance equal to 2 over radius. 2 over what? Radius. Okay, बेटा जब हम इस केस के लिए पर्टिकुलर पढ़ेंगे तो हम ध्यान से देखेंगे बेटा. एक्सिस मैंने आपको पहले साइन कन्वेंशन बताया आपको मैंने, इसको आप वाई एक्सिस ले लिया करिए. तो बेटा ये आपका प्लस वाई होगा, नीचे आपका माइनस वाई होगा. सिमिलरली इधर आपका प्लस एक्स होगा, इधर आपका माइनस एक्स होगा बच्चे, नो प्रॉब्लम. तो आप ध्यान से देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, पी से सेंटर तक की दूरी सब नेगेटिव होंगे बेटा. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से. तो वन अपॉन सॉरी पी ओ, पी ओ कैन बी ट्रीटेड एज ओवर हेयर, पी ओ कैन बी ट्रीटेड एज माइनस यू एंड पी आई कैन बी ट्रीटेड एज माइनस वी एंड पी सी कैन बी ट्रीटेड एज माइनस आर बिकॉज ऑल आर दीज नेगेटिव एज दे ऑल लाई इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. That means minus 1 upon V, minus 1 upon U, minus 2 upon R. That means 1 upon V plus 1 upon U and 2 upon R is 1 upon F for paraxial rays. For paraxial rays. This is the mirror formula for paraxial rays. Convex के लिए भी ऐसा ही रहेगा. Convex mirror के लिए भी बेटा mirror formula same ही रहेगा. ये real image के लिए बनाया है. Concave में virtual image के लिए भी यही रहेगा formula. Convex में भी real image virtual objects के लिए, किसी के लिए भी अगर मैं बनाऊँगा फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा, सेम ही रहेगा. वन प्लस वी प्लस वन प्लस वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ. बट दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर पैराक्सियल रेज. दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर व्हाट? पैराक्सियल रेज. ठीक है बेटा, ये मिरर फॉर्मूला था हमारा. क्या था ये? मिरर फॉर्मूला. ओके, थैंक यू.